प्रदेश भर में 3 चरणों में संपन्न हुए पंचायती राज के चुनावों में नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए जिला कांगड़ा में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जिला भर के 15 विकास खंडों मुख्यालयों में 814 ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं उपप्रधानों सहित पंचायत समिति सदस्यों को पद एवं गरिमा की शपथ दिलवाई गई। जिला भर से संबंधित SDM द्वारा नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलवाई गई। बता दें कि जिला कांगड़ा में पंचायतों के पुनर्गठन के बाद 814 पंचायतें हो गई हैं और जिला भर में 359 पंचायत समिति सदस्य नव निर्वाचित हुए हैं। विकासखंड धर्मशाला में नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलवाने के बाद SDM धर्मशाला डॉक्टर हरीश गज्जू ने कहा कि नई पंचायतों का पुनर्गठन किया जा चुका है और सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नए प्रधान उपप्रधान पंचायत समिति सदस्यों को संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत शपथ दिलवाई गई। उन्होंने कहा कि धर्मशाला पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 29 जनवरी को चुनाव तय किया गया है, जिसके लिए सदस्यों की मीटिंग का नोटिस जारी कर दिया गया है। बस नई पंचायतों का पुनर्गठन हो चुका है और सरकार के दिशा निर्देशानुसार नए जो प्रधान उप प्रधान चुन के आए हैं और पंचायत समिति के मेंबर्स जो चुन के आए हैं, उन सबको आज यहाँ पे शपथ दिलाई गई है संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत, अनुसूची 5 के तहत। और जो पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होने हैं उसके लिए भी विदिन एक वीक में करना होता है, तो उसके लिए 29 तारीख का नोटिस भी आज उनको दे दिया गया है पहली मीटिंग का। इसी प्रकार से जो प्रधान चुने गए हैं उनको फर्दर 1 फरवरी को मीटिंग करनी है, जैसा कि सरकार ने ये तिथि फिक्स की है, और उस दिन वो अपने सभी पंचज को शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही 26 जनवरी परसों है, उसको भी वे पहली दफ़ा अपने अपने पंचायत स्तर पर झंडा फहराकर मनाएंगे। इसमें सरकार का जो है एक डिटेल्ड प्लान होता कि सभी पंचायत के पदाधिकारी तीनों स्तर के, उनके लिए एक पूरा प्लान बनेगा और उसके हिसाब से सभी को ही ट्रेनिंग जो है दे दी जाएगी। वहीं पहली बार अस्तित्व में आई अनदड़ पंचायत की नव निर्वाचित प्रधान शालू देवी का कहना है कि वह सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगी ताकि गांव में विकास की गति को बनाया रखा जा सके। मेरा नाम शालू है, मैं टंग अंदराड़ पंचायत की प्रधान हूँ और हमारी जो पंचायत है वो नई बनी हुई है और मुझे प्रधान पद के लिए नियुक्त किया गया है और मैं अपनी पंचायत के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और जैसे कि गांव में घर घर जाके मैंने देखा है कि लोगों में बहुत समस्याएं हैं, उनको दूर करूँगी, सरकार द्वारा चलाए गए कामों को उन तक पहुँचाऊँगी। वहीं बागनी पंचायत से नव निर्वाचित प्रधान सुरेश पप्पी, उनका कहना है कि चौथी बार प्रधान बने हैं, इसके लिए पंचायत के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि गरीब लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलवाया जा सके। मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं बागनी पंचायत से चुन के आया हूँ, प्रधान के पद पे खड़ा था, लोगों ने मेरे बागनी पंचायत वालों ने बड़ा सहयोग दिया और मैं सबसे पहले बागनी पंचायत के जितने भी वोटर हैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे को चौथा चांस जो है यहां बागनी पंचायत से उन्होंने मेरे को दिया है। प्राथमिकता है तो मेरी सबसे पहले ये रहेगी कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो भी सरकार के द्वारा स्कीमें हैं उनको मैं अपने पंचायत में चलाऊंगा और सबसे ज़्यादा जितने भी गरीब लोग हैं सबकी मैं मदद करूँगा और जितने भी कोई कार्य रुके हुए हैं उनको पूरा करूँगा।